देखो भाई बिट्टू जी खुद ही बताइए कि ये सारा क्या मामला हुआ, कैसे उठाया गया सारा। देखो जो सिसोदिया जी के कपड़े उतरे हैं दिल्ली में, सीबीआई और ईडी ने उतारे हैं, वो दोबारा जो कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हुए हैं, उस कपड़ों को ड्राई क्लीन कोशिश की है। क्योंकि हिमाचल इलेक्शन में जो सीबीआई और ईडी ने जो स्कैंडल, बड़े से बड़े लिकर स्कैंडल यहाँ आ रहे हैं, तो वही हमने भी शिकायत की थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और गवर्नर साहब से टाइम मांगा था भी, यहाँ भी वही सेम ठेकेदार जो भगवंत मान जी के साथ मिलके, जो वहाँ केजरीवाल साथ मिलके जिन्होंने हजारों करोड़ का गबन किया है, वो भी जब कोविड था, वही ठेकेदार यहाँ शराब के ठेके उनको दिए गए हैं, उसके बारे में जब मुद्दा उठाया था तो उसका कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए, बदला इन द सेंस, क्योंकि बीजेपी को तो हाथ लगा नहीं सकते, बीजेपी तो भाई ये जब ईडी और सीबीआई आती है तो ये डर लगता है, तो यहाँ कांग्रेस पे विजिलेंस यूज की है भी हिमाचल में हम अपनी छवि अच्छी कर सकें, क्योंकि संगरूर इलेक्शन के हारने के बाद खास तौर पे मजीठिया जी जो सबसे बड़े ड्रग ट्रेल में थे वो छूट गए इनसे, उसको जेल में नहीं रख सके, कोर्ट में ये कोई बात प्रूव नहीं कर सके, और इंडस्ट्री से आते हैं भगवंत मान, और उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरा जो है सिद्धू मूसेवाला वो गोलियों से भून दिया गया, तो इसलिए बड़े बैकफुट थे यहाँ पे बीजेपी आम आदमी सरकार थी, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है। हम तो खुद अपने सारी लीडरशिप, हमें पता था भी ये मुकदमा 18 तारीख को दर्ज हो चुका है, और ये पर क्या चाह रहे थे भी आशु जी को कहीं अकेले पकड़ के उनको बाद में इंटेरोगेशन करके जो आदतें रही हैं भाई कुछ भी उनको मनवाएंगे, लेकिन हमारा इसमें ये था भी हम उनको पेश करेंगे, आप बताइए। आज भी हम चंडीगढ़ से, मैं और आशु जी इकट्ठे आए हैं, और सारी 20-30 गाड़ियाँ और लुधियाना से थी, तो जब हमने उनको घर उतारा है और मैं अपने घर आ गया हूँ, उसी बीच में 2-3-4 मिनट में ये उनको उठाने आ गए हैं, तो मौके पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। हमें ये नहीं समझ आ रही थी क्योंकि ना तो कोई वर्दी में था, ना कोई मेरी बहस वहाँ पे हो रही है, भाई आप आई कार्ड तो दिखा दो, अगर आप पुलिस वाले हो तो हम आपके साथ चलेंगे, इनको लेके जाएंगे, आप बता तो दो आपके पास कोई संबंध है, चलो वो भी नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पर पुलिस कोई आई कार्ड तो दिखा दो किसी का, क्योंकि आप कोई वर्दी में नहीं हो, आप कोई पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप कौन हो? तो इसलिए यहाँ गुंडा राज हुआ हुआ है, इस तरीके से किसी एक्स मिनिस्टर को और किसी को भी उठा लिया जाएगा तो कोई बताएगा भी नहीं कौन उठा के उठाने लेके आ रहा है। गाड़ियाँ थी वो अपनी कोई पता नहीं और लेके आए थे, तो खुद वर्दी में नहीं थे, किसी के पास कोई आई कार्ड दिखाने के लिए नहीं था, कोई कागज नहीं था, तो फिर वो फ़ोन कर रहे थे पीछे से भी वहाँ से फाइल हम भूल आए, फाइल लेके आओ फाइल। हमने कहा भी ज़रूरत नहीं फाइल की, चलना है तो हम मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि हम डीजीपी के पास विजिलेंस के गए हैं, तो हमें एसएसपी साहब के जाने की क्या प्रॉब्लम है? तो आशु जी अब सीधा हमने एसएसपी साहब के सामने ऑफिस में उनको जो उनके ऊपर क्योंकि कॉपी उन्होंने दे दी, बेठारा को पर्चा दर्ज किया है और उनको सरेंडर कर दिया, वो अब इनके सामने है, अब जो कानून करेगा वो देखेंगे, बाकी आपकी मीडिया है, मीडिया देखो वो पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे, क्योंकि ये वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं, पंजाब कांग्रेस के, तो जो प्रोग्राम पहले मैंने कहा था, लेकिन अब जो पीसीसी प्रोग्राम बनाएगी, सारे पंजाब का प्रोग्राम बनाएगी राजा बड़ेंग साहब और सीनियर लीडर, वो आगे प्रोग्राम चलेगा, उसकी वेट कर रहे हैं भी उनका क्या इसमें आगे संदेश आएगा, मैसेज आएगा, लेकिन आप ऊपर भी ये छोड़ते हैं, मीडिया भी ये ध्यान रखे, कोई आज देखो 117 के 17 जो हमारे जो MLA और जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे वो 117 के 17 और 4 MP वहाँ पे पहुँचे भी, आप इनको हमने पेश किया है और वहाँ पे बैरिगेड लगा के उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है, उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं पूछ के भाई बता दो, अगर हम चंडीगढ़ नहीं तो हम लुधियाना SSP के पेश कर देते हैं, लेकिन उनकी मंशा ये थी भाई मीडिया से भी चोरी, सबसे चोरी इनको उठा के बड़े से बड़ा जो वो चाहते हैं केस इनके ऊपर डालें और जिससे एक सेंसेशन क्रिएट हो सके, एक मीडिया में भी आशु को उठा लिया और इतने चीज़ों की हमने रिकवरी कर ली, इतना कुछ इनके ऊपर डाल दिया, वो चीज़ से हमें हम सचेत थे भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो भगवंत मान तो कहते हैं हम किसी का धक्का नहीं करेंगे, आपके सामने ही है, आपके सामने है, भगवंत मान जी थोड़ी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, मानते हैं, पर फिर भी इदा की गल हुई नहीं, भगवंत मान एक कुलीग होने नाते वो सारे ही होने, तुम मीडिया च एक दूजे के कुलीग हो, जो मैं इकट्ठे खड़े हो, असं भी मैंबर पार्लीमेंट हो, कुलीग हाँ, तो इस करके, पर जो बंदा सत्ता च आ जाए
जदों बंदा ताकत च आ जाए उस वेले कोई दोस्ती नहीं हुंदी, कोई यारी नहीं हुंदी, उस वेले सिर्फ हंकार हुंदा है, सत्ता का हंकार। तो ये बहुत दूजी गल पंजाब दे चीफ मिनिस्टर दे हाथ कुछ नहीं गा। पहली गल भगवंत मान दे जो दिल्लियों डायरेक्शन आउंदी आ, जो केजरीवाल डायरेक्शन करदे आ, ये तो एक कठपुतली आ, तो उन्हां दे नाल नाल पंजाबियां नाल धक्का कर रहे आ। ये मंत्री वो मंत्री आ जिन्हें कोविड दौरान आशू जी ने कल्ले कल्ले घर राशन पहुँचाया। तुसीं अंदाजा लाओ उस लॉकडाउन च की हाल सी, जदों बाहर नहीं निकलदे सी, एक कल्ला एक गड्डी मंत्री लैके जांदा सी। अज किसान आके खड़े होण जिन्हां दे एक साल जदों धरना चल रहा सी, ये भी एक लाइफ टाइम गल सीगी। महामारी तो 100 साल बाद इह जी आई आ, पर धरने वेले भी किसानां नूं चाहे उन्हां दी कणक दी फसल सी, चाहे उन्हां दी झोने दी, एक किसान नूं तकलीफ नहीं आउण दित्ती। और तुसीं आप ऑन रिकॉर्ड आ, एक भी मंडी च कोविड दा केस नहीं होया। कोविड दौरान मंडी च लखां उत्थे सैनिटाइजर लीटर पहुँचाया, मास्क उत्थे पहुँचाए, पर एक भी किसान ते लेबर वाले नूं कोविड नहीं होने दिता। यह सिला भगवंत मान की सरकार केजरीवाल दे रही है। घबराहट नहीं सानू का घबराहट असी तो कहने आ लो ये कोई सुनिया कदे लोग जाके कोर्टा भजदे आ पहला असी कहने आ लो आशू जी ने आ फड़ो साढ़े कोल बैठे आ घबराहट सानू असी तो आप लेके आए हैं हूँ भी आप की गड्डी च लैके आए भी आ लो ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਪੀਸੀਸੀ ਕਹੇਗੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅਗਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪੀ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 100% 100% ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਐਕਸਚੈਕਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਸ਼ੂਜ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਟਰੱਕ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ੂ DTO ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਸ਼ੂ RTO ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ 17 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਟ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਲੱਖਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਭਣ ਕੌਣ ਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਭਣ ਜਿਹਦੀ ਕਸੂਰ ਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ